सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार ब्लूटूथ तो हम सभी यूज करते हैं आज की डेट में, भैया ऐसे ना वैसे बहुत बार जरूरत दोस्तों पड़ जाती है इसको यूज करने की। चीज भी काफी कमाल की है, काफी इंटरेस्टिंग है टेक्नोलॉजी, लेकिन दोस्तों ऐसे में इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स भी हैं कि भैया ब्लूटूथ से वैसा, ब्लूटूथ से ऐसा। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो को आगे देखते रहिए, हमसे बात करने वाला हूँ इन्हीं कुछ मिथ्स के बारे में और पता लगाते हैं कि अगर इनके पीछे की सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले के टाइम में ना मतलब ब्लूटूथ का मेन रोल क्या था कि आपको करना है दो डिवाइसेस को कनेक्ट, आपको करना है डेटा ट्रांसफर, तो आप दोस्तों काम में लेंगे ब्लूटूथ को। लेकिन जब से भैया 3.5 mm वाला ऑडियो जैक निकल गया है हमारे मोबाइल फोन से, तब से दोस्तों बहुत ज्यादा एक मतलब इसका आ गया यूज के सिनेरियो कि भैया अगर आपको लगाने हैं अपने को वायरलेस हेडफोन्स या एयरफोन्स वगैरह, इनफैक्ट दोस्तों आपको यूज करना है यहाँ पे कोई वायरलेस स्पीकर, तो आप काम में लेंगे ब्लूटूथ को। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जो स्मार्ट गैजेट्स हैं, वो भी ब्लूटूथ की मदद से दोस्तों होते हैं कनेक्ट आपके मोबाइल फोन वगैरह से। तो मतलब आज की डेट में हम शायद इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में जो मिथ्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ सी गई हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले ही कॉमन मिथ तो ये है कि अगर आप अपने फोन में या भैया टैबलेट वगैरह में ब्लूटूथ को यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको ऑन छोड़ देते हैं तो भैया वो आपकी सारी पावर चूस लेगा, भैया बहुत ज्यादा बैटरी आपकी ड्रेन हो जाएगी। तो यहां पर दोस्तों बता दूं कि ये जो चीज है ये पहले के टाइम पे आप मान सकते हो दोस्तों, जब ब्लूटूथ के पुराने स्टैंडर्ड्स थे उस टाइम के लिए सही है एक हद तक, लेकिन आज की डेट में जहां पर दोस्तों हमारे सभी जो डिवाइसेज हैं उनमें है मॉडर्न ब्लूटूथ स्टैंडर्ड्स, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब अगर दोस्तों आपका ब्लूटूथ ऑन भी है, अगर वो आइडल मोड में भी है, तो भी जो पावर ड्रेन है वो होता है नेग्लिजिबल। ऐसे में दोस्तों जो हेडेक होगी भैया जब वो कनेक्ट करना पड़ेगा ब्लूटूथ, आपको पहले ऑन करो, बाद में डिवाइस को सर्च करो, सेलेक्ट करो, पेयर वगैरह करो, तो दोस्तों ये जो हेडेक है ये काफी हद तक बच जाती है अगर आप अपने डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन छोड़ दें। उसके बाद में जो भी आपको करना पड़ता है कनेक्ट, फिर चाहे आपके हेडफोन हो चाहे एयरफोन वगैरह हो, जैसे ही आप उनको ऑन करेंगे कनेक्शन अपने आप हो जाएगा। तो यहां पे मतलब जो पावर ड्रेन है वो एक तरीके से नेग्लिजिबल है, और मतलब पहले के टाइम पे दोस्तों हुआ करता सिग्निफिकेंट, लेकिन आज की डेट में ये बात एक मिथ की तरह ही है। मतलब मेरे जो डिवाइसेस का ब्लूटूथ है मैंने लास्ट टाइम ऑफ कब किया मेरे को याद नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती ऑफ करने की, और जो पावर ड्रेन है वो फील होता ही नहीं है, और जो हेडेक है आप उससे भी बच जाते हैं। दोस्तों यहां पे जो दूसरी मिथ है ना वो इस बात को लेके है कि भाई अगर आप कहीं पब्लिक में हो, अगर आपका ब्लूटूथ ऑन है लेकिन अगर आप उसको नॉन डिस्कवरेबल कर दें, तो ऐसे में आप बच सकते हैं भैया किसी भी हैकर वगैरह से, जो शायद ब्लूटूथ के जरिए आपके डिवाइस में कुछ मैलवेयर वगैरह भेज दे। तो यहां पर दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सिरे से आप खारिज कर सकते हैं। ऐसे में आपका भैया चाहे डिवाइस डिस्कवरेबल हो चाहे वो डिस्कवरेबल दोस्तों ना हो, ऐसे में अगर आपका ब्लूटूथ ऑन है और अगर किसी का खराब इंटेंशन है जो आपके आसपास दोस्तों अगर कोई हैकर, तो वो बड़े आराम से आपके डिवाइस में भैया कनेक्ट करने के बाद में भेज सकता है कोई भी मलिशियस फाइल। और यहां पर दोस्तों जो कमजोरी निकल के आती है वो है ब्लूटूथ पिन की, जो कि होता है दोस्तों बाय डिफॉल्ट यहां पे 0000 या फिर 1234। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपका ब्लूटूथ ऑन है, फिर चाहे वो डिस्कवरेबल हो चाहे ना हो, किसी के लिए बड़े आराम से पता लगाना कि आसपास कौन से ब्लूटूथ हैं, और उसके बाद में कनेक्ट कर पाना कोई बड़ा गेम नहीं है। तो बेहतर यह है कि या तो भैया अगर आपको ये ख्याल बार बार आते रहते हैं कि हाँ भैया कहीं कोई मेरे फोन के साथ कुछ गलत ना कर ले, तो बेटर कि आप ब्लूटूथ को ऑफ रखिए पब्लिक प्लेसेस में अगर आप ये चाहते हैं तो। अदरवाइज दोस्तों जो पिन है आप उसको चेंज कीजिए किसी स्ट्रॉन्ग पिन में, वरना वो 0000 1234 जो है वो कई बार नुकसान करवा सकता है। दोस्तों यहां पे बात आती है तीसरे नंबर के एक मिथ की, जो ये बताता है कि जो ब्लूटूथ की रेंज है वो है करीब 10 मीटर। नहीं दोस्तों ये सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज हैं ब्लूटूथ को लेके, जहाँ पे अगर हमसे बात करता हूँ ऐसे डिवाइसेस जिनके पास में अपना खुद का पावर सोर्स है, फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे आपका लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप वगैरह हो गया, अगर बात करते हैं उनमें ब्लूटूथ की, तो यहाँ पे उनकी जो रेंज है वो तो इनफैक्ट 100 मीटर तक भी होती है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों वो यूज करते हैं क्लास अलग एक कैटेगरी का। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं बाकी स्मार्ट डिवाइसेज की, मोबाइल फोन्स हो गया, टैबलेट्स वगैरह हो गया, तो यहाँ पे उनकी रेंज करीब करीब 10 मीटर तक होती है। और इनफैक्ट दोस्तों कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हैं जो बहुत ज्यादा लो पावर कंज्यूम करते हैं, और ऐसे में दोस्तों उनकी जो रेंज है वो करीब 1 मीटर तक भी होती है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं डिपेंडिंग आपका डिवाइस कौन सा है, यहाँ पे जो ब्लूटूथ की रेंज है वो कम ज्यादा होती रहती है। तो ऐसे में कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हाँ भाई जो ब्लूटूथ की रेंज है वो 10 मीटर ही होगी। दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा एक और मिथ निकल के आती है ये बहुत बड़ी, कि भैया ब्लूटूथ अगर आप यूज करते हैं तो रेडिएशन का खतरा है।
अगर आपने हेडफोन को पहन लिया तो भैया यहाँ पे तो वायरलेस सिग्नल जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों रेडिएशन का खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे पहली बात तो ये कि मोबाइल फ़ोन के यूज़ करने से भी कोई नुकसान होता है कि नहीं, आज तक किसी रिसर्च ने ये चीज़ प्रूव नहीं की। दूसरी बात दोस्तों ये कि अगर आप समझते भी हैं कि भैया ऐसा नुकसान होता होगा मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने से, ज़्यादा देर बात वगैरह करने से, तो यहाँ पर दोस्तों बता दूँ कि जो ब्लूटूथ डिवाइसेज हैं वहाँ पर दोस्तों जो पावर लेवल्स होते हैं वो बहुत 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 ज्यादा कम होते हैं। तो अगर आप कंपेयर करते हैं कि आपने एक अपना फोन कान पे लगाया है, और अगर दोस्तों आप कंपेयर करते हैं कि वो फोन दूर रखा है टेबल पर, आपने ब्लूटूथ हेडसेट पहना है, तो दूसरे केस में आप दोस्तों जो है वो डेफिनेटली ज्यादा सेफ हैं अगर आप करते हैं कंपेयर किसी मोबाइल फोन से बात करने से। तो वो जो हम समझते हैं ना कि हाँ रेडिएशन का खतरा है, ये है वो है, ब्लूटूथ जो डिवाइसेज हैं वो मोबाइल फोन्स के कंपैरिजन में डेफिनेटली बहुत कम पावर लेवल पे ऑपरेट करते हैं, तो इस चीज़ को भी आप क्लियरली एक मिथ ही समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भैया पांचवी और लास्ट मिथ की, जो अक्सर कुछ लोग, मतलब मैंने भी देखा है कई बार कि भैया वो समझते हैं कि क्योंकि ब्लूटूथ जो है वो काम करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे, जो वाईफाई है भैया वो भी कॉमनली काम करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे, तो समझते हैं कि मतलब यहाँ पे ना कुछ ना कुछ तो भैया इंटरफेरेंस हो गया है। अगर आपने वाईफाई वगैरह ऑन किया है, अगर आप वाईफाई पे कुछ काम कर रहे हैं, तो ब्लूटूथ है उसमें आपको डिस्टरबेंसेस देखने को मिलेगा, मतलब वहां पे आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी। और ऐसे में अगर बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं तो ऐसे में भैया डेफिनेटली जाम लगने वाला है कि वाईफाई भी है साथ में ब्लूटूथ वगैरह भी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहां पे जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो काम में लेती है एडवांस्ड फ्रीक्वेंसी हॉपिंग मैकेनिज्म को, जहां पे दोस्तों एक कंप्लीट बैंड है, ऐसा फिक्स नहीं है खाली 2.4 गीगाहर्ट्ज, यहां पे दोस्तों एक बैंड है जहां पे भैया अलग-अलग चैनल्स हैं, तो वो उसको स्विच करते रहती है दोस्तों एक्टिव तरीके से, ऐसे में वो सिक्योर भी बन जाता है। और दूसरी बात ये कि आपको दोस्तों अगर ज्यादा डिवाइसेस हैं आसपास तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, अगर आपका वाईफाई ऑन है या नहीं भी है तो भी जो आपको मिलेगा कनेक्शन ब्लूटूथ का वो काफी सही मिलेगा। तो ये थी पांचवी और आखिरी मिथ। उम्मीद है कि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में कि ऐसा या वैसा है, पता नहीं कैसा कैसा, कई बार बातें सही होती हैं कई बार नहीं होती है। उम्मीद है कि आज के बाद एटलीस्ट ये जो सारे दोस्तों मैंने आपको बताई है मिथ्स, ये तो आपके लिए क्लियर हो ही गई होंगी हमेशा के लिए। दोस्तों बस फिलहाल तो इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को भी लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।